कारण भाई। भाई पता है आपको, मैंने इस बैठक का नाम क्या सोचा था पहले? शर्मा जी की बैठक? नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी की बैठक तो बाद में किया। अच्छा। पहले मैंने लिखा था नशीली बैठक। आई एम ऑलवेज देयर, जहाँ पे मैंने कमिटमेंट कर दी। तो भाई भाई के साथ हमारा फील है। कैसा लगा? बस मजा आ गया, सेटअप बहुत मस्त है। सेटअप बहुत मस्त है। और क्या बोल रहा था, झूलने वाली कुर्सी बहुत मस्त है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक नए पॉडकास्ट स्टूडियो से, और हमारे जो गेस्ट है वो नीचे आ चुके हैं। मैं आप सबको मिलवाता हूँ। बहुत ही डिफिकल्टी से आया है यहाँ पे, गाँव गाँव में घुस गए रास्ते में, तो मिलवा दो। बैक कैमरा ऑन करता हूँ एक बार ना। ये देखो भाई, ये देखो गाड़ी आ रही है हमारे पास। वाह, लो जी हमारे विकास भाई आ चुके हैं अपनी। हेलो ब्रदर, फसा दिया था यार। कैसा भाई? कैसा एकदम बढ़िया भाई। भाई को ना गूगल मैप ने गांव में फसा दिया, वो भी BMW लेके। भाई मैं रास्ता बता दूं, कह रहे हैं हमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा बताओ। एक्स्ट्रा बता दे यार, हम एक्स्ट्रा होके आते हैं घूम के। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये तो बहुत नीची है यार, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि दो बार तीन बार टच हो गई। हाँ भाई, ये तो ये तो जब एक बार हुई तो मैंने कहा चल एक बार हो गई, झेल लेते थोड़ा सा। दो तीन बार हुई मैंने कहा ज्यादा नहीं हो रही, आप तो यू टर्न मार ही लेते हैं। और क्या कितनी नीची लग रही है यार ये गाड़ी, नीची लग रही है ना बहुत ज्यादा भाई। तार के सामने अभी यहाँ मेरे घर के बाहर खड़ी है। कंपैरिजन में देखो, कार का जहाँ पे बम्पर आ रहा है ना, वहाँ पे इसका हेडलाइट उससे भी नीचे है भाई। मतलब मैं सीरियसली तभी तो मैं डर गया, मैंने कहा कि ये गूगल कुछ गड़बड़ कर रही है भाई, भाई को फोन कर लो। ये तो हमने फ्रेम में देखा था। कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? मस्त यार, बढ़िया लग रहा है, बहुत तगड़ा। भाई का फोन का कवर कितना मस्त लग रहा है, मैंने कहा ये तो तगड़ी चीज है यार। भाई इसको थोड़ा हम थोड़ा सेट कर लेते हैं आगे। ओ चार जोड़ दी शांत बैठे हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ भाई क्या चल रहा है, इतना तामझाम है यार। भाई तामझाम में तो आपने भी शूट किया कल फर्स्ट टाइम किया इतने तामझाम में, मतलब जो आगे पीछे गाड़ी दिन में लाइट लगी हुई है। वहाँ भी बहुत तामझाम था यार भाई। अभी अभी हमने लाइट वो लाइट पता नहीं, अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट करा था मैं पिछले 5-7 दिन पहले भाई, वहाँ पे मैंने डे में इतनी लाइट लगते हुए देखा, मतलब मैंने उससे पहले इतनी लाइट लगते हुए दिन में नहीं देखा। जो आपने लगा रखी थी ना वो उसका 10% था। बहुत लाइट यार, एक सीन के लिए। वो भी हमें पार्क में एक शॉट लेना था, मैं वो जो मैं शूट कर रहा था ना बीच में, वो बताऊंगा दिखाऊंगा आपको, मैंने शूट किया है बिहाइंड द शॉट। बट भाई एक सीन के लिए सिर्फ पार्क के अंदर आपको शॉट लेना है, जिसपे आप मतलब जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक बेंच पे बैठा हुआ है, उसके लिए इतने बड़े बड़े डिफ्यूज़र, मतलब इतने इस कमरे जितने बड़े बड़े डिफ्यूज़र, और क्या कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी लाइट, 4K 8K वैसी वाली लाइट जो डे में लग रही है फेस पे, जरा सी लाइट लाने के लिए। मैंने कहा भाई इतनी देर में, मतलब वो शूट 6 घंटे में हुआ था, अगर मैं होता उसे शूट करने के लिए जैसे हम अपनी वीडियो बनाते तो मेरा 1 घंटे में शूट हो जाता। 6 घंटे में शूट हुआ भाई वो। आपको भी टाइम लगा होगा? टाइम हाँ यार, शूट तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट उसका सेटिंग ये नहीं, ऐसे लाइट आ रही है अरे फेस पे, हाथ पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होता है भाई, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है। बट मजा आया आपको? मजा आया, किक मिली तगड़ी। भाई आप उससे मिले अभी, किससे मिले थे अभी? रणविजय से। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ। हमने तो भाई रोडीज में ही देखा है, वो ऐसे वाला सीन है नहीं। मैंने भी रोडीज में ही देखा था इससे पहले, बट ही इज वेरी। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, और ब्रेक के बीच में भाई से पूछा, भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा भाई, मान लिया माहौल बना दे। भाई ने बहुत सारी एक्सक्लूसिव बातें की है यहाँ पे, और बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें की है, और मोटी वाली बातें की है। बहुत सारी ऐसी बातें भी की है जो कहीं नहीं करी। मनोज भाई की बहुत सारी बातें की है। मनोज भाई देख लो, ये व्लॉग तो पहले आएगा, देखो समझ लो और पूछ लेना क्या क्या खोल के रखी है। सारे राज खोल दिया है, थाईलैंड और बहुत सारी तगड़ी चीजें, सारी चीजें। भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत अमेजिंग सेटअप, बहुत अमेजिंग। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई कैसे होगा, कैसे नर्वस था।
वापिस से एंडिंग के तरफ चलते हुए हमने ऑलमोस्ट कितने मिनट हो गए भाई पता है आपको मैंने इस बैठक का नाम क्या सोचा था पहले शर्मा जी की बैठक नहीं 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 शर्मा जी की बैठक तो बाद में किया अच्छा पहले मैंने लिखा था नशीली बैठक हुक्के में चर्चा ये रखा था मैंने बट फिर मैंने सोचा कि हर एक बंदा हुक्का तो पीता नहीं है कोई ऐसे बंदे भी आएंगे जो नहीं पीते जैसे खांस रहे हैं ये कुछ और पीते हैं नहीं मेरे को सर्दी है ये कुछ और पीते हैं कितनी डाउन है बट मैंने कमिट किया था माइक का कमिटमेंट तो भाई करता है ना पूरा हां भाई मैंने कहा मैंने भी तो किया है आई एम ऑलवेज देयर जहां पे मैंने कमिटमेंट कर दी तो ओवरऑल भाई देखो मजा तो आ रहा है ये मजा है हां तो कोई देख रहा है कोई अच्छा बंदा जिसको पॉडकास्ट वगैरह देना हो तो मेरे को प्लीज जीमेल कर देना तो भाई हमारी जो शर्मा जी की बैठक थी वो थोड़ी मतलब अभी फिलहाल के लिए बंद हो गई है नया गेस्ट हमारा थोड़ी देर बाद आएगा फिलहाल जिस गेस्ट के साथ में भाई कैसा लगा आपको मजेदार भाई को सर्दी हो रही है भाई को मैं भाई थैंक यू सो मच आने के लिए बिल्कुल बड़े मज़े आए और भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन अभी एक नई चीज़ बताई भाई ने जो आने वाली है सरप्राइज है गाइस अभी मैं नहीं बोल पॉडकास्ट देखना पॉडकास्ट में आएगा बोला है पॉडकास्ट में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा वहाँ पे आएगा तगड़ी चीज़ भाई क्या खाओगे पहले बताओ कुछ नहीं मैं बस निकलूंगा भाई ऑफिस तो पता है ना कितने फोन्स आ गए बीच में हमने दो हाँ भाई बीच में भाई ने बिल्कुल कट टू कट रखा है मतलब मैंने ट्राई किया किस तरह जल्दी करने का बट हम थोड़े ना कंफर्टेबल होते होते थोड़े ज़्यादा पॉडकास्ट खींच दिया बट देखता हूँ मज़ा आएगा सबको देखने में आओ भाई फिर चले आ जाओ पेंट नहीं यहाँ हो रहा है शायद अंदर हो रहा होगा शायद अच्छा भाई ये भाई को ही पता है भाई हमें तो पता नहीं हमारी गाड़ी तो यहीं खड़ी रहती है ना हमें इतनी चीज की नॉलेज नहीं है भाई ने तो भाई को तो अच्छे से नॉलेज है ना भाई के पास गाड़ी ना तू भी अंदर लगा ना अगर अंदर लगा सकता है तो या फिर इस पे कपड़ा मैं पीछे लगा दूंगा यार नहीं वो पेंट का फुहार ना पूरे एनवायरनमेंट में रहेगा वो धीरे धीरे जाके सेटल होता है अच्छा ठीक है तो कपड़ा डाल देना नहीं तो वो पूरी गाड़ी ना तेरी वाइट ये वो नहीं है मतलब पेंट नहीं हो रहा ये मेरे ख्याल से वो हो रही है घिसाई पत्थर की घिसाई पेंट नहीं है भाई पेंट इतनी दूर तक नहीं उड़ता पेंट नमस्ते आंटी कैसे हो आप तो भाई भाई के साथ हमारा फील है तो भाई अपने दूसरे गेस्ट आ चुके हैं आज मैं दिखा देता हूँ एक बार हाय व्हाट्स अप ब्रोस चाहिए अभी दूसरा पॉडकास्ट है बस हाँ इससे पहले किसके साथ किया अरे नहीं मतलब पहले तो मैं कर चुका आज का दूसरा है अच्छा हाँ कैसा लग रहा है भाई हमारा सेटअप अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली बहुत यूनिक सेटअप है अभी तक का है ना हाँ माइक को अटैच कर दिया हाँ ताकि थोड़ा अच्छे मतलब कोई मूव हो ना इस पे बैठे बैठे तो वो ऑल मतलब हिलता रहेगा इस टाइम उसी के साथ साथ रहेगा फेस पे तो जाएगा नहीं तो इसलिए रखा था भाई हमारा हो चुका है पॉडकास्ट डन बहुत सारी बातें करी है हमने मैक्सटन के साथ में मैक्सटन कैसा लगा बस मजा आ गया सेटअप बहुत मस्त है सेटअप बहुत मस्त है और क्या बोल रहा था झूलने वाली कुर्सी बहुत मस्त है भाई आज इसकी तारीफ है ना दोनों बंदों ने कर दी है मतलब हमने बढ़िया वर्थ इट हो गया मतलब दो तीन बात जब बोल जाता है ना किसी जो हम चीज कर रहे हैं उसके बारे में दो तीन बंदे तारीफ कर जाते हैं तो वो चीज सफल हो जाती है मेरी कुर्सियां मेरे लिए सफल हो गई और ओवरऑल भाई कैसा लगा शर्मा जी की बैठक में आगे मजा आ गया मैंने भी एक चीज नोटिस किया ये माइक किसी में अटैच है हां बस अटैच है ये बताना नहीं था देखना पॉडकास्ट तो चलो जब आएगा जब बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए कुछ खाते हैं डाटा कॉपी हो रहा है एक बार चेक हो रहे हैं क्योंकि भाई दो बार ऐसा फक हो चुका है हमारे बीच में कि कार्ड में ना कुछ एक दो क्लिप ना करप्ट हो चुकी है तो वो चीज़ें ना हो उसलिए एक बार थोड़ा रुक के 12th में तुम्हारे भाई ने मैथ ले रखी थी 12th में बच्चे तुम्हारे भाई के आए थे 73 नंबर एग्जैक्ट 100 में से 100 भाई 80 में से बोल रहा हूँ मैं 73 इतने तो नहीं ओवरऑल टोटल जो भी तक करूँगी 12th में 80 नंबर मैथ में 100 में से 100 पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैथ में 100 में से 100 आए थे पूरे तभी तो कह रहा हूँ मैथ्स का टॉपर था मैं
ओके और पूछना मत 6-7 हो गए छोड़ेंगे 4 साल है भाई अब पूछना मत 4 साल ब्लैक कुर्ता था भाई 100 में से 100 मैथ में भाई मैथ मेरे को है ना मैं बताता हूँ अपनी एक कहानी बताता हूँ आप सबको क्या सीन हुआ मैथ मैंने ले ली 11th में भाई 10th की मैथ में और 11th की मैथ में ना जो चैप्टर थे वो सेम थे ऑलमोस्ट चैप्टर सेम थे तो मैंने सोचा मैंने कहा अरे यार 10th में तुम्हारा भाई बढ़िया टॉपर बढ़िया मैथ में बहुत बढ़िया था मैं तो मैंने सोचा मैंने कहा ये तो पार कर देंगे भाई जैसे ही उसमें घुसा मैंने कहा ये तो पूरे क्वेश्चन अंदर से चेंज है हार्ड है 12th से हां 11th हार्ड है 12th इजी एग्जैक्टली अरे वो तो फिर 11th ऑलरेडी इतना कर देते हैं बना मतलब कर करके हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो 12th हमें ऑटोमेटिकली इजी लगती है बट 12th नो ऑटोमेटिक इजी 12th की मैथ्स ना उस पे है पूरी प्रैक्टिस पे भाई पढ़ाई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक्सेल बोल रहा हूं मैं टॉप मारा है मैथ्स में टॉप भाई 100% तेरे कितने आए थे हां बताइए एक बार हेलो इंटीग्रेशन कैलकुलस ये जो भी होगा डिफरेंशिएशन ये सब मेरा फेवरेट टॉपिक था क्योंकि ये ना लोगों से होते नहीं थे भाई ये क्या होते हैं बता भाई क्या होते हैं तू तो इंजीनियर है मैंने एरिया वोटिंग जो भी था चैप्टर पूरा खत्म किया प्रोबेबिलिटी का मैं एक क्वेश्चन गलत नहीं करता ओए मैथ में ही है क्या इतनी बातें मत करो हमारी जो ऑडियंस है ना वो मैथ में 12th वाली तो मैथ वाली तो होंगे ही नहीं बट भाई ओवरऑल ये बहुत बड़ी चीज है कि तूने 100 में 100 मारे भाई 100 में 100 तो मैथ में वो भी जो दोनों पॉडकास्ट है वो डन हो चुके हैं सब अपने अपने घर जा चुके हैं एंड इस व्लॉग को गाइज मैं ये एंड कर रहा हूँ एंड यस यस आई एम ट्राइंग कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं तो इसलिए मैंने day 1 day 2 जितने हो सकेंगे एक सीरीज टाइप चाहे 20 हो 30 हो 40 हो जो भी हो उसकी एक सीरीज टाइप बना के मैं ट्राई कर रहा हूं डाल दूं एंड डेली आपको 10:30 बजे के आसपास देखने को मिल जाएंगे जो भी मैं जितना ही बना रहा हूं जैसे ही बना रहा हूं पर मैं डालूंगा किसी तरीके से ठीक है तो थैंक यू सो मच आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाट्स रीजन डू लाइक डू कमेंट डू शेयर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना टिल देन खुश रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो व्यस्त रहो मेरे ब्लॉग मेरी वीडियोस मेरी शर्मा जी की बैठक और मेरे पॉडकास्ट सब देखते रहो ठीक है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ओके ब्रूनो से बाय हेलो नाइस ओके स्टेला ठीक है ठीक है इज ओके टेक केयर बाय बाय